नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत है। शिक्षा मित्रों और निदेशकों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर अब जो है खुशखबरी आ रही है। इसी के साथ ही भले ही शिक्षा मित्र निदेशक से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनों का ही मुद्दा जो है उठाया गया है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल शिक्षा मित्रों के बारे में क्या अपडेट है वो समझते हैं। इनका एक प्रतिनिधिमंडल ये देखिए मुख्यमंत्री से मिला हुआ है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 1.45 लाख शिक्षा मित्र, 3.50 लाख रसोईया और 32,000 अनुदेशकों को जल्दी सौगात दी जाएगी और यह आश्वासन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने MLC और उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दे दिया है। अब CM ने दे दिया है तो इसका मतलब यह है कि मानदेय बढ़ाने पर अब कार्रवाई हो रही। बड़ी बात यह है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के साथ ही जो है 32,000 अनुदेशक और 3.5 लाख रसोइयों को फायदा होने वाला है। विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों व रसोइयों के मानदेय वृद्धि पर चर्चा की। ये नाम आप देख रहे हैं विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा, इन्होंने जो है इनके प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मित्र अनुदेशकों रसोइयों के मानदेय वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष जो है मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को लेकर मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, ये बड़ा सवाल है। अभी हम आपको एक वो दिखा रहे हैं जो एक चैनल है उस चैनल पर आंगनबाड़ी बहनों के मुद्दे को लेकर जो है आवाज़ उठाई गई है, वो उस खबर को समझते हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जो है शिक्षा मित्रों ये सब कर्मचारी काम कर रहे हैं सब अस्थायी वाले हैं तो इनका मानदेय जब बढ़ाएगी तो क्या आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, इसका जवाब जो है एक चैनल के जरिए श्रीचंद शर्मा खुद दे रहे हैं और क्या क्या बात हो रही है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि मेरे निर्देश पर ही विभागीय बैठक हुई है और आज सबकी समस्याओं को संकलित कर लिया गया है और इस पर जल्दी विभागीय मंत्री और विभाग के जो है अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। यानी बैठक की कार्रवाई अभी और होगी फिर उसके बाद देखा जाएगा कितना पैसा बढ़ना है, लेकिन पैसा बढ़ेगा ये देखिए मुख्यमंत्री के साथ ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल शिक्षा मित्रों के बारे में लिखा, रसोइयों के बारे में लिखा, अनुदेशकों के बारे में लिखा। आप चलिए उस चैनल की वीडियो देखिए आप लोग और जिसमें आंगनबाड़ी बहनों का मुद्दा जो है सावित्री चौधरी जी उठा रही हैं और उन्होंने क्या कहा है वो समझते हैं। ये देखना आप लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कोई प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिए क्योंकि जब शिक्षा मित्रों रसोइया और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ेगा तो उसमें आंगनबाड़ी बहनों का ही मानदेय बढ़ना चाहिए। कौन कौन इस बात से सहमत है कमेंट में यह जरूर लिखें। आपने हमारे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इन सब के विषय को लिया जो इनकी बड़ी कठिनाई का जो इनका जीवन है उसके बारे में आपने परिचर्चा रखी, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने सभी जो साथी हैं इनमें शिवकुमार शुक्ला जी तो मुझसे कई बार मिल चुके हैं और एक आध बार अपने विक्रम सिंह जी मिले हैं, सावित्री जी से कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इन सब लोगों की बातें हम लोगों ने सरकार से रखी हैं। हमारी सरकार गंभीरता से इनके विषय को भी, रसोईया के विषय भी, इन सब पर गंभीर है। जहां तक बात अमिताभ जी हम करें कि पीछे की स्थितियां तो उस पर हम लोग गौर करें तो शिक्षा मित्र जब रखे गए थे तब 2,200 रुपए पर रखे गए थे और उस समय जब 2017 में इनका सुप्रीम उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, बड़ी उम्मीद थी कि वो कमेटी कुछ कर देगी, कुछ नहीं हुआ, न कमेटी का पता लगा न रिपोर्ट का पता लगा। नहीं अमिताभ जी, उसके लिए भी कभी आप शिवकुमार शुक्ला जी से पूछ लीजिए। तो उसमें आंगनबाड़ी को भी शामिल करिए, प्रस्ताव क्या है, एक टेलीफोन पर प्रस्ताव उधर से आ जाएगा, संदीप के यहाँ से आ रहा तो उनके यहाँ से भी आ जाएगा, उसमें कौन समस्या है, उस विषय को भी लेकर चला जाएगा, हेल्थ से आ जाएगा, ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से। लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं जब इतनी बड़ी समस्याएं, इतने लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाधान के किसी पड़ाव तक पहुंचे और जब पहुंचे तो उनका संपूर्ण समाधान होना चाहिए। गंगा पार करें तो फिर एक साथ सब कर जाएं, ऐसा नहीं हो कि आधे इधर रह गए, आधे बीच में रह गए, आधे पार गए, वो स्थितियां खराब होती। सावित्री जी, आपकी पैरवी हमने की, मैं इसी से ये कहना चाहूंगी सर, जितने भी आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोईया हैं, सब लोग शायद आंगनबाड़ी से बाद में आए थे, लेकिन आप लोग अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आंगनबाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। आंगनबाड़ियों से जो काम कराए जाते हैं आप देखिए, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कोई काम आंगनबाड़ी से अछूता नहीं, और BLO निर्वाचन का काम सबसे पहले है। तो आप देखिए इतने सारे काम तो दे दिए जाते हैं तब तो आंगनबाड़ी याद आती है, तब वैसे किसी को दिखाई नहीं देती। जब सरकार बनी थी 2016 में सर, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो हम 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और जो आपकी सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है, ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी, उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया, हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं, होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है तो उस पे उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है। तो ये और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं। और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई पीछे पीछे कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीजों को, और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है ये 4-5 वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोई हो, अनुदेशक हो, ये बार 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 खाली हाथ रह जाते हैं। एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करिए। अब उत्तर प्रदेश का तस्वीर भी बदल गई है, अब प्रदेश दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दे सकते हैं, देना चाहिए। शिव कुमार जी, तो इस बार पाई जाती तो आप मानिए कि कहां किसके पास जाएंगे। जब धरना प्रदर्शन में वार्ता के लिए लेके जाते हैं तो वहां गोल गोल घुमा के छोड़ दिया जाता है, तो सर और किससे मिले? आप बताएं, हमें रास्ता बताएं, कोई मार्गदर्शन करें हमारा। आज तो हम आपको बता तो रहे हैं, आपके निकट जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिल सकती हैं, आपके जो मंत्री हैं उनसे आप संपर्क करिए, मंत्री जी से मिलिए। सर वो जब तक मिलते हैं, सर जब मिलते हैं बस, वो जब वोट का टाइम आता है तब, जब वोट का डलवाने का टाइम आता तब मिलते हैं। आपको लड़ना नहीं है तो आप लड़ते रहिए, आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आप राजनीति करते रहिए, आपको ऐसे राजनीति करनी है करिए आप राजनीति। नहीं सर, कैसे राजनीति आप बताएं, हल कराने का तरीका आपको बता रहा हूँ तो आप सुन रही हैं। आपको कह रहा हूँ कि चीजें हल होंगी इस तरह कि आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिलिए, आपके जो बाल कल्याण मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलिए, और वहां से भी हल हो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता, सबको समय मिलता है। मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा लेते हैं, प्रधानमंत्री को भी किया है, नहीं नहीं सावित्री जी एक बात ये भी ठीक है कि मान लीजिए लेटर का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक उसमें भी रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री का जनता दर्शन होता है उसमें तो लेटर की जरूरत ही नहीं होती है। एक सुन लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, ठीक, उनके दफ्तर में जाइएगा तो एक दिन जाइएगा नहीं होंगे तो दूसरे दिन चले जाइएगा तब मिल जाएंगे, उनसे मिलना कोई बहुत कठिन नहीं मेरे ख्याल से। और आपका जो स्थानीय विधायक सांसद होगा उनको तो जैसे शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों ने इनको शीर्ष जी को ढूंढा, एक सेतु बना, एक पुल बना, क्या वैसा सेतु और पुल नहीं बन सकता था? चिट्ठी मेल छोड़िए,
कि हमने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी जवाब नहीं आया। हम जैसे इन लोगों ने एक सेतु बनाया वैसा सेतु नहीं बन सकता क्या? आपकी 3 लाख की संख्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जिनको चुनाव लड़ना है वो तो आपके संपर्क में आएंगे ना जब आप प्रयास करेंगे, वो कैसे नहीं आएंगे? जब हमने हमने आंदोलन किया था और लखनऊ हम गए थे तो विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे विधायक जी ने कहा कि हाँ ठीक है हम लखनऊ में आपको मिलेंगे, चलिए आप पहुंचिए, हम आपको अपना वो भी खुलवा देंगे वहां जो हमारा घर है। कोई नहीं पहुंचा सर। उसके बाद आप देखिए अभी जगदम्बिका पाल जी के द्वारा हम बाल विकास मंत्री से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, केवल आश्वासन अगर कहीं मिलते हैं, केवल आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अभी 1 महीने पहले ही मिले हैं जगदम्बिका पाल जी के द्वारा मिले, ऐसे ही बहुत विधायक जी से सांसद जी से हमने बहुत कॉन्टेक्ट भी किया है, कुछ तो धोखा दे देते हैं और कुछ सहयोग करते भी हैं, तो वहां भी कोई हल नहीं निकला है सर। सर 40 साल होने जा रहे हैं, वरना हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पे आने का, हम महिलाएं घर में, महिलाओं को बहुत काम होता है, अपने घर भी देखने होते हैं। मुझे लगता है कि उभय पक्षी संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है, वो समय की मांग है। जगदम्बिका पाल के साथ आपने मुलाकात की, अच्छा है। एक प्रयास और करिए, अपने निकट के सांसद विधायक को खोजिए और उनके साथ मुख्यमंत्री के सामने भी जाइए और राज्य का जो महिला बाल कल्याण विभाग है उसके मंत्री के घर भी जाइए। ये बात श्री जी ठीक कह रहे हैं कि मिल बैठ के जो चीज हल हो सकती है वो तनातनी में नहीं होती ना। तनातनी नहीं सर, आप बताइए तनातनी में फिर स्थितियां। मैंने शिक्षा मित्रों का देखा तनातनी का है परिणाम, मैं इनसे बहुत समय से जुड़ा हूं इन लोगों से, वो तनातनी की भेंट चढ़ गई, इनकी सारी जनेऊ समस्याएं भी, अनुदेशकों की जनेऊ समस्याएं। देखिए सर, ये भी झुकने को तैयार नहीं थे, वो भी झुकने को, सरकार सरकार होती है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, गोल गोल घूमते रहे। अमिताभ जी भाई साहब जी, देखिए सरकार जनता बनाती है और सरकार होती है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए है, लेकिन हम लोग सहजता से बातचीत करके चीजों को हल कराने की ओर करें। कई बार चीजें एक बार में हल नहीं होती, धीरे धीरे हल होती हैं, तो वो हल होंगी, परिणाम आएगा, लेकिन ये मत सोच के बैठो कि एक बार में प्रयास में हम परिणाम नहीं आया तो परिणाम आएगा ही नहीं, या हम नाराज होकर बैठ जाए, मूड खराब करके बैठ जाए, खराब बातें करने लगे। तो फिर आपको, आपने मुझे आज चैनल पे बुलाया, मैं यदि खराब बातें करूंगा तो अगली बार आप कहोगे चलो छोड़ो यार किसी और से बात कर लेते हैं, ये तो शर्मा जी तो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। अरे भाई चौधरी जी ने मुझे गुस्सा क्यों दिला दिया? दो भाई हमारे साथ बैठे हैं बात कर रहे हैं, उनसे तो मुझे गुस्सा नहीं आया, उन्होंने जो ढंग से बात की उनकी समस्या नहीं हो रही है क्या? गुस्सा नहीं है, इस तरह की बातें करके क्या हम बोल रहे हैं तो इन चीजों को जो हमारे साथ हो रहा है सर, हमने आंदोलन किया, 3 महीने का मानदेय काट दिया गया उल्टा, हर बार मुंह से आंदोलन निकल रहा है, ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इनका गुजारा आंदोलन के बिना हो रहा नहीं है, हर बात पे आंदोलन चल रहा है, हर बात पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 10 लोगों को लेकर मंत्री से मिलने गए, क्या मांगे, एक बार केवल एक आया, सर मिले हैं ना हम, कोई रिजल्ट नहीं मिला है, जगदम्बिका पाल जी से मिले, उनको लेकर गए, अरे आप विधायक सांसद मिल ही नहीं रहे जिनसे आप मिलवा सकते हैं, पूरे प्रदेश में इतने विधायक सांसद हैं और आंगनवाड़ी इतना सेवा करती है समाज की, इतना काम करती है, भला इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? अरे भाई अपना आपको करना चाहिए कि हर जिले में हमारे आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने क्षेत्र के विधायक और चैनल के माध्यम से उनको अपनी मांग कहेंगे, इस चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कराइए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी आप जगदम्बिका पाल जी हैं वो भी सांसद विधायक ही हैं और भी जो लोग हैं मिले हैं, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हमें गुस्सा भी इसलिए। मैंने सुझाव दे दिया, अभी भी आपको सुझाव दे दिया कि मुझे नहीं देना चाहिए, मैंने अभी अभी आपको सुझाव दे दिया, आप ध्यान करो बात पे मैंने क्या कहा। हर जिले में अपने जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कहिए कि अपने अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से मिले और उन्हें कहें कि देखिए हमारी समस्या को आप सरकार के सामने रखिए, तो ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि नहीं रखेंगे, हम लोग होते ही इसलिए, हम इसी बात के लिए तो बने हैं कि हम जनता के और नेताओं के बीच में पुल का काम करें, जनता के और सरकार के बीच में पुल का काम करने के लिए तो बने हैं, वही तो हमारा काम, हमारी तो नौकरी है, हम तो आपकी नौकरी के लिए तो बैठे हैं, आप हम बताओगे काम करना ना करें तब क्या कि आपने किया नहीं। सर हमें यही तो लग रहा है ना कि अब देखिए 40 साल होने जा रहे हैं, रुक रहा होगा, अब ये रुक रहा होगा, बाकी लोग पास हूँ। एक बात मैं आपको बताता हूँ जो मेरी अनुभव कहता है, जगदम्बिका पाल हो या श्रीचंद शर्मा हो, एक बार में बात नहीं बनी दोबारा कुंडी खटखटाइए, तिवारा कुंडी खटखटाइए,
हमेशा खटखटाते रहिए, कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा खिड़की खुलेगी। 35 लड़कों के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। इसलिए मुझे लग रहा है इस रास्ते पर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टकराव हर चीज का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एक बड़ी संख्या है सावित्री जी, 3.75 लाख, 3 लाख का समूह है। मैं कैसे मान लूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर सकता है? नहीं, चुनाव तो वोट से ही होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लाख की वर्क फोर्स को कोई डिमीन कर दे? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन बदल के देखिए। दवा गर्म पानी के साथ ले रहे हैं, नहीं फायदा कर रही, ठंडे के साथ लेके देखो, ठंडे के साथ भी लेके देख लो। और जो बात श्री जी कह रहे हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आपके इलाके का जो भी विधायक है, 3.5 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आपकी उपेक्षा कर कैसे कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर बदल लिया जाता है, मान लो जगदम्बिका का पाल से नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर देखो, एलोपैथी नहीं काम कर रही, होम्योपैथी देखो, होम्योपैथी नहीं करे, नेचुरोपैथी में आए, नहीं। लेकिन चरैवेति चरैवेति प्रयास होते रहने चाहिए। शिव कुमार जी,